घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। पिछले सप्ताह सरकार ने OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को भारत में पत्रकारिता या शोध करने और तबलीगी अथवा मिशनरी गतिविधियों में शामिल होने पर पाबंदी लगा दी। विपक्ष सरकार के इस कदम की कड़ी निंदा कर रहा है। सरकार द्वारा 4 मार्च को जारी की गई इस अधिसूचना को कांग्रेस पार्टी ने वापस लेने की मांग की है। वहीं सरकार का कहना है कि यह अधिसूचना 2005, 2007 और 2009 में जारी हुए नोटिफिकेशंस की एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट मात्र है जिसमें अधिक क्लैरिटी है। आइए जानते हैं विपक्ष की बातों और सरकार के दावों में कितना दम है। नई अधिसूचना के अनुसार OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को भारत में पर्वतारोहण या पत्रकारिता की गतिविधियों के लिए और किसी भी विदेशी कूटनीतिक मिशन में या किसी भी विदेशी सरकारी संगठन में इंटर्नशिप लेने के लिए सबसे पहले एक सक्षम अधिकारी या विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की इजाजत लेनी होगी। इनके अलावा विदेशी कूटनीतिक मिशन में काम करने के लिए या फिर भारत सरकार द्वारा चिन्हित किए गए किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने के लिए भी ऐसी ही अनुमति लेनी होगी। इसमें कहा गया है अभी OCI कार्ड धारकों का स्थान NRI के समान हो गया है। इसके मुताबिक OCI कार्ड होल्डर को भारतीय बच्चे के अंतर्देशीय गोद लेने की प्रक्रिया में या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए NRIs की तरह ट्रीट किया जाएगा। ऐसा ही ट्रीटमेंट OCI द्वारा किसी अचल संपत्ति की खरीदारी या उसे बेचने में सिवाय कृषि और फार्म हाउस के अथवा कोई भी व्यवसाय करने के संदर्भ में किया जाएगा। साथ ही OCI कार्ड होल्डर्स को अखिल भारतीय परीक्षाओं जैसे नीट, JEE मेंस, JEE एडवांस्ड इत्यादि में भाग लेने के संदर्भ में भी NRI जैसी सुविधा दी जाएंगी। गृह मंत्रालय के अनुसार OCI कार्ड धारक केवल NRI कोटा में अपना दावा कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने ये भी बताया है कि OCI कार्ड धारक पूर्ण रूप से भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित सीटों पर अपना दावा नहीं ठोक सकते हैं। इस तरीके से अधिसूचना OCI कार्ड धारकों को कुछ मामलों में NRIs के समान करना चाहती है। OCI क्या है? भारत का संविधान दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता, लेकिन नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7B में एक विशेष प्रकार के समूह को कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इस विशेष समूह को OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड धारक कहते हैं। OCI कार्ड होल्डर एक भारतीय मूल का व्यक्ति है जिसने भारत से प्रवास करके किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है। OCI कार्ड धारक सभी देशों के लिए वैध है सिवाय हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश के। भारत दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता, इसलिए OCI कार्ड धारक भारत का नागरिक नहीं है। यह सुविधा उन्हीं देशों के नागरिकों के लिए है जहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। OCI कार्ड पाने के लिए अगर आवेदन विदेश में किया गया है तो $275 और अगर आवेदन भारत में किया गया है तो ₹15,000 की फीस लगती है। अब जानते हैं कि NRI और OCI में क्या अंतर है। कोई भी भारतीय व्यक्ति जो एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 183 दिन विदेशों में रहा हो उसे NRI कहते हैं। OCI कार्ड धारक भारत का नागरिक नहीं होता जबकि NRI भारत का नागरिक होता है। OCI कार्ड धारक के पास भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं होता, NRI के पास वोट डालने का अधिकार होता है। OCI कार्ड धारक किसी चुनाव में भाग नहीं ले सकता जबकि NRI ऐसा कर सकता है। OCI कार्ड धारक कोई कृषि जमीन भी नहीं खरीद सकता जबकि NRI कृषि जमीन खरीद सकता है। OCI कार्ड धारक के पास भारत का पासपोर्ट नहीं होता जबकि NRI के पास भारत का पासपोर्ट होता है। जाते जाते जान लेते हैं कि OCI कार्ड धारक क्या कहते हैं। सौरभ जो कि स्विट्जरलैंड में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वह एक OCI कार्ड धारक हैं। उन्होंने दी लल्लन टॉप से बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना से कार्ड धारकों को कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। सौरभ का कहना है कि सरकार ने कार्ड धारकों को NRI कोटा में भी आवेदन करने का मौका देकर बड़ा अच्छा काम किया है, जिससे कोई बच्चा अगर भारत के किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ना चाहता है तो उसे बहुत आसानी होगी और इससे भारतवंशियों का भारत से संबंध भी नहीं टूटेगा। नम्रता पांड्या जो कि एक वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर हैं, उनके पति भावेश पांड्या जो कि एक बिजनेसमैन है, ये OCI कार्ड धारक परिवार लंदन में रहता है। इन्होंने दी लल्लन टॉप को बताया कि उन्हें भी इससे कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि वे भारत सरकार की अधिसूचना में बताए गए उन विशेष वर्गों में नहीं आते हैं जिनके लिए नियम सख्त किए गए हैं।
पांड्या परिवार ने कहा कि अगर उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और उन्हें भारत में दोबारा जाकर कुछ खास गतिविधियां करने के लिए 2-3 एक्स्ट्रा प्रक्रियाएं करनी भी पड़ती हैं तो इसमें भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी है कि भारत सरकार OCI कार्ड धारकों से संबंधित नियमों को और स्पष्ट कर रही है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी निलोत्पल ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।